की सर्दी ने ढाया सितम, तोड़ दिया 118 सालों का रिकॉर्ड। 118 सालों में नहीं पड़ी ऐसी ठंड, अगले 2-3 दिन में और बढ़ सकती है सर्दी। जी हाँ, दिल्ली में सर्दी ने ऐसा सितम ढाया है कि 118 सालों का रिकॉर्ड ही टूट गया। गिरते लुढ़कते तापमान इतना नीचे गिर गया कि ये 1.7 डिग्री तक पहुंच गया। मतलब 118 सालों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। मौसम विभाग के मुताबिक इस मर्तबा यहाँ इतनी ठंड पड़ी है कि दिसंबर महीने ने रिकॉर्ड ही रच डाला। 1997 के बाद से अब तक दिसंबर के महीने में सबसे लंबी अवधि वाले ठंडे दिन रिकॉर्ड किए गए हैं। इससे पहले 1997 में ऐसा हुआ था जब लगातार 17 दिन कड़ाके की सर्दी पड़ी थी। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को सुबह 8:30 बजे दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में 2.4 डिग्री, पालम में 3.1 डिग्री, लोधी रोड पे 1.7 डिग्री और आया नगर में 1.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री रहा, यानी ठंड की ऐसी मार कभी नहीं पड़ी। अब आपको बताते हैं कि सर्दी के सितम का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड का सीधा असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। इस ठंड के मारे लोगों का बुरा हाल हो रहा है। दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते ट्रेनों पर भी भारी असर पड़ा है। यहाँ तक कि कई गाड़ियाँ घंटों की देरी से चल रही हैं, तो कुछ गाड़ियाँ कैंसिल तक हो चुकी हैं। अब आपको दिल्ली में इतनी सर्दी होने की वजह बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर उत्तर भारत पर पड़ रहा है। आलम यह है कि आने वाले दिनों में तो पारा और भी गिर सकता है, और तो और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यहाँ बारिश भी हो सकती है। तो भाई, कुछ ऐसी है दिल्ली की सर्दी जिसे देखकर आप खुद कह देंगे कि ना शिमला ना मनाली, दिल्ली जैसी सर्दी कहीं नहीं। टीम खबर अपडेट।